से ही पृथला के गांव में कैंची का शोर शुरू हो जाता है और ये शोर आज चुनाव प्रचार का गांव नवादा पहुंचा है। पृथला से निर्दलीय उम्मीदवार नैनपाल रावत आज गांव नवादा की सरदारी के बीच महिलाओं के बीच पहुंचे हैं। यहां पर संतों का आशीर्वाद लिया है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है और क्या मन की बात कही है और क्या मन की बात सुनी है, ये उनसे रूबरू होते हैं। नैनपाल जी, नवादा में आप हैं और कई गांव वाले कह रहे थे कि सुबह से ही कैची कैची सुनाई देती है, तो क्या कहेंगे लोग जो है इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, जब किसी चुनाव को 36 बिरादरी लड़ रही हो ना, किसी एक पार्टी के लड़ने में एक अलग बात होती है, 36 जो बिरादरी के चुनाव लड़ना होता है उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट होता है। मुझे नहीं पता था कि दूसरी बार भी, क्योंकि मैं ये तो मानता हूँ कि पहली बार कोई सहानुभूति में या टिकट कटने में आंसुओं से कोई MLA एक बार आजाद बन जाता है, लेकिन इतना तो मुझे भी मेरी जनता जनार्दन का आइडिया नहीं था कि ये इतना प्रेम मुझसे करते हैं, इतना लाड मुझसे करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने 5 साल में 2.5 साल कोरोना काल के बाद अगर मैंने जनता का इतना बड़ा प्यार कमाया है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इतना बड़ा सैलाब देखने को, आपने पहले भी हमारा प्रोग्राम से हमारे देखे थे जो चुनावी चुनाव के थे, लेकिन प्रचार के जो चुनाव देखे थे, आज आपको उसमें डबल जो ना ताकत दिखाई दे रही होगी, डबल जोश दिखाई दे रहा होगा युवाओं का। आप सुबह नहीं थे, 300-400 मोटरसाइकिल के काफिले के बाद ओपन गाड़ी में हमें लेकर के मेरे सारे युवा मुझे यहाँ लेकर आए हैं और इतनी ताकत के साथ मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर कैंची के निशान की फतेह होने वाली है, 36 बरादरी पृथला विधानसभा की जीतने वाली है। और मुझे लग रहा है कि अभी एक हमारा चाचा कह रहा है चुनाव तो जीत के फॉर्मेलिटियां रह गई हैं वो कर रहे हैं, तो इतना जोश जनता जनार्दन में देखने को मिल रहा है। नैनपाल जी, पहले जब लोग घोड़ों पर जाते थे, ऊँटों पर जाते थे, ट्रैक्टर पर जाते थे तो लोग टकटकी लगाए देखते थे, लेकिन आप तो रोज ही जा रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि भाई चुनाव प्रचार नैनपाल का ऐसे ही चल रहा है। और एक बात आपने संबोधन में आप कहते हो कि मैं जीता नहीं, मुझे जिताया गया, इसका किसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने ये है, कभी भी व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। विधायक बन जाए तब भी नहीं करना चाहिए। मैं 5 साल के लिए मेरे लोगों ने विधायक बनाया और मैं हमेशा अपनी जनता को देव का रूप देता हूँ, देव तुल्य जनता बताता हूँ, जनता जनार्दन बताता हूँ। बाकी के लोग केवल जनता जनार्दन को, जनार्दन केवल चुनाव के समय में कहते हैं। मैंने 5 साल मेरी जनता को भगवान मानकर पूजा है, भगवान मानकर मैं इनके साथ में रहा हूँ, इनके चरणों में मैंने पूजा की है। आज तो मेरा देखा देखी बहुत सारे लोग मेरी रीच करके सब भगवान मानने लगे हैं, सब जनसेवक बन बैठे हैं, सब टिकाऊ नहीं बिकाऊ, बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं, और जन बेटा नेता नहीं बेटा है, बड़े बड़े स्लोगन जो ना दिए हैं। और आज जहां मैं खड़ा हूं, यहीं पे मुझे किसी का रात को फोन आया, हमारे एक राम निवास जी हैं जो हमारे किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनके चाचा जी और वो बैठे थे, तो रात को उन्होंने कहा यार हमारा चाचा तेरा बड़ा फैन है और मैंने एक स्लोगन बनाया है, उनसे बात कराई, तेरा दिल से चैन फिर से नैन, मुझे ये नारा ही नवादे से मिला है। गाड़ियों में लिखा वो मुझे नवादा से मिला हुआ है, तो नवादा से मेरी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं यहाँ के मंदिर का, जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उससे मैं आजीवन मेंबर जुड़ा हुआ हूँ। गौशाला है बहुत अच्छी, उससे जुड़ा हूँ। बस ऐसा लगता है कि ये मेरा बहुत निजी गाँव है। और वैसे भी हर गाँव में, अभी आप नरियाला चलोगे आप देखोगी कि सारा ब्राह्मण आपको एक तरफ से खड़ा मिल जाएगा। यहाँ मेरे गुजरों के गाँव है बिरादरी के, हर गुजर बरादरी मेरे साथ खड़ी हुई है, मतलब एक ना अलग सा प्रेम मेरे साथ इनका है और मेरा इनके साथ है। ग्रामीण तो सभाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन संत खड़े हैं और बाबूजी की भी उम्र मैं देख रही हूँ, इतनी गर्मी है, युवाओं के पसीने छूट गए हैं। मैं इसलिए खड़ा हूँ, ये जनसेवक लोकतंत्र रक्षक धरती पुत्र नैनपाल रावत है, इसलिए मैं खड़ा हूँ और मैं इनको आशीर्वाद, इनको जिताऊंगा। मैं काशी से हूँ, मेरे ताऊ थे राज नारायण, जिन्होंने सत्ता बदल दिया था, लौह महिला इंदिरा गांधी को हराया था, उस खानदान। इस बार कैंची चलेगी कि नहीं पृथ्वी? बिल्कुल चलेगी, नैनपाल रावत की कैंची, जिंदाबाद जिंदाबाद नैनपाल रावत, धरती पुत्र नैनपाल रावत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू जी, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार क्या लग रहा है? ये नैनपाल रावत दौड़ रहो, वोट लेने को नहीं, घर बैठ जाए जब भी जीता वो। या कोई जीते रोकने वाला कहीं ना जन्म ही न लियो। और ये फूल वाले और पंजे वाले वो है, वह जिता लिए पहले,
वह अब झका दिया हमने। हाँ हमेशा हमेशा एक किन नौवे करे अब मैंने पाल कर लो मर रहा दोबारा नंबर लगाओगे? हाँ दोबारा बनाएंगे फिर दोबारा भी लगाएंगे। पीछे नहीं हटेंगे। आज जो हमारे गांव में विधायक साहब आए हैं ये विधायक नहीं भाभी विधायक खड़े हैं। आने वाले 5 तारीख को कैची का निशान नंबर 1 पे होगा। ऐसा तो नहीं आती उत्साह ये उत्साह नहीं है हमारा मंत्री बन गा रहे हैं इतना उत्साह देखा आपने। हम सुबह 9 बजे से कितने टाइम हो गए 2 बज गए। किसी के लिए कोई वेट करता है? मोदी के लिए वेट नहीं होता। मोदी की तरह वेट हो रहा भाई नैनपाल का हमारे का। मोदी जी के हाथ चली है मोदी जी की बात चली है सर। 2 तारीख को रैली थी अब 1 को रैली है। हम मोदी की रैली में नहीं जाएंगे उसका हम त्याग करेंगे। फिलहाल हम नैनपाल की रैली में जाएंगे। जी क्या कहेंगे 2 तारीख के लिए लोगों से अपील सर? देखिए 2 तारीख के लिए मेरी एक ही अपील है भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी हैं मनोहर लाल जी हैं अमित शाह जी हैं अनुराग जी हैं राजनाथ जी हैं बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। हमारे पास तो 36 बरादरी है और यही मेरे लीडर हैं यही मेरे मोदी हैं यही मेरे राजनाथ हैं। 36 बरादरी में उतनी ताकत है शायद ही किसी में ताकत ना हो। तो 36 बरादरी की रैली 2 तारीख को बहुत बड़ी रैली होने वाली है और मैं ये चाहूँगा क्योंकि एक दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है तो उस रैली से बड़ी रैली 36 बरादरी को करनी है ताकि ज्यादा मोदियों वाली रैली बड़ी हो। ये सुक्के साथी तो सब होते हैं ये दुख में शिक्षा में और स्वास्थ्य में इलाजों में हर तरह से ये भाई है हमारा ना कि नेता। और भाई को कैंची के निशान पर 5 तारीख को हम वोट देंगे और मोदी और अमित शाह को नीचा दिखाएंगे। बीजेपी ने हमारे भाई को धोखा दिया है हम उन्हें जड़ से मिटा देंगे। और ये भाई तो हमारा असाबटी से ये बाहर का प्रत्याशी नहीं है। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर गांव नवादा में मौजूद रहे। क्या लग रहा है बाबूजी इस बार नवादा की हवा क्या कह रही है? कैंची हो रही है। कैंची हो रही है। बिल्कुल देखिए नैनपाल रावत का लोगों का असीम स्नेह मिल रहा है। हालांकि 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तो पता चलेगा कि ये स्नेह वोट कितने देता है लेकिन वर्तमान की बात करें तो नैनपाल रावत लोगों का लगातार जो है दिल जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा पंजाब के सी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।